हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे माफ़ी यानी आप सॉरी बोलते हो किसी बात पर तो उस तरह के क्या क्या सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे क्या आप मुझसे नाराज हैं। तो डेली रूटीन में बोले जाने वाले सेंटेंस हैं आर यू एंग्री विथ मी, क्या आप मुझसे नाराज है। तो आप कैसे बोलोगे आर यू एंग्री विथ मी, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे आप नाराज हो गए किसी के सामने तो सामने वाला बोल देता है कि मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, आप नाराज ना होइए। तो आई वॉज जस्ट जोकिंग, आई वॉज जस्ट जोकिंग। मिट्टी डालिए, देखिए ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसका सेंस है चलो छोड़िए, चलो भूल जाइए, ठीक है कोई बात हो गई अनबन हो गई चलो छोड़िए यार भूल जाइए। तो इस सेंस में लिया है मिट्टी डालिए यानी छोड़िए इसको। तो आप कहोगे लेट अस फॉरगेट इट, यानी इसको भूल जाइए, इस बात को छोड़िए। ये आपका दोष नहीं था, आपसे कोई गलती हो गई है लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं था। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा खेद है। आई एम वेरी सॉरी, या आप ऐसे भी कह सकते हो आई एम सो सॉरी। तो आई एम वेरी सॉरी या आई एम सो सॉरी। आप बुरा न माने, देखिए मैं आपसे कुछ कह रहा हूं आपके ऊपर नहीं है, आप बुरा न माने लेकिन वास्तविकता यही है। तो प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड। मेरी ओर से आप क्षमा मांग लीजिए, मेरी ओर से आप माफी मांग लेना। तो इस तरह के सेंटेंस आप पर डे बोलते हो। प्लीज अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ, प्लीज अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। यह अनजाने में हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई कुछ हो गया कोई बात नहीं, ये अनजाने में हुआ। इट वॉज डन अनोइंगली, इट वॉज डन अनोइंगली। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैंने कुछ गलत कह दिया। तो आई बैग योर पार्डन, आई बैग योर पार्डन, या आप ऐसे भी कह सकते हो आई एम सॉरी टू यू, आई एम सॉरी टू यू। बीच में बोलने के लिए मुझे माफ करें, कई बार कोई डिस्कस होता है मीटिंग चल रही होती है आप बीच में बोलते हो तो रुक रहा नहीं गया आपसे, तो आप कह रहे हो बीच में बोलने के लिए मुझे माफ करें। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है, देखिए आप माफी मत मांगिए। तो डोंट अपोलोजाइज इट डजेंट मैटर, डोंट अपोलोजाइज, आप माफी मत मांगिए, इट डजेंट मैटर यानी ये कोई बात नहीं। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, आप ऐसे बोलते हो सेंटेंस। प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव मेड माई मिस्टेक, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ करे इफ आई हैव मेड माई मिस्टेक, यदि कोई मुझसे गलती हो गई हो। मुझे ये जानकर दुख हुआ, आई एम सॉरी टू हियर दिस, या आप ऐसे भी कह सकते हो मुझे ये सुनकर दुख हुआ। माफ कीजिए मैं आपको फोन नहीं कर सकता, नहीं कर सका, मैं आपको फोन नहीं कर सका, मैं आपको कॉल नहीं कर सका, या मैं आपको टेलीफोन नहीं कर सका, जो भी है क्या होगा आई एम सॉरी आई कुड नॉट कॉल यू। आप चिंता न करें कोई हानि नहीं हुई, आपसे गलती हो गई कोई बात नहीं, आप चिंता न करें इससे कोई हानि नहीं हुई। तो डोंट वरी नो हार्म इज डन, ये तो गलती से हो गया, ये तो गलती से हो गया, जानबूझकर नहीं किया था मैंने। दिस हैपन्ड बाय मिस्टेक, अगर अनजाने में मैंने आपको दुख पहुंचाया हो तो मुझे खेद है। आप कहते हो ना कई बार कि जाने अनजाने में यदि कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। तो आई एम वेरी सॉरी इफ आई हैव
unknowingly hurt you. उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया मात्र एक चैनल है जो आपको तथ्य फैक्ट के आधार पर इंग्लिश सिखाने में पूर्ण विश्वास रखता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। धन्यवाद।